हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल टेक टुडे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करने का बहुत ही आसान तरीका, जिसके मदद से आप आउटलुक को बहुत ही आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए और उस जीमेल अकाउंट से आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपने जीमेल अकाउंट से आउटलुक कॉन्फ़िगर करना बता देता हूँ बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों, आउटलुक कॉन्फ़िगर करने से पहले जिस जीमेल अकाउंट से आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उस जीमेल अकाउंट में एक सेटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो सेटिंग करना आपको मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है गूगल साइन इन और आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ दिख रहा है गूगल लॉगिन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है गूगल लॉगिन पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ अपना जीमेल अकाउंट देना है। अपना जीमेल अकाउंट देकर आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, आपको अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड दे देना है। जैसे कि मैं अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पासवर्ड देने के बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा, यहाँ सिक्योरिटी सेटिंग। तो इस पर सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं, आपको सिक्योरिटी यहाँ खुल के आ जाएगा। तो सिक्योरिटी खुलने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ जाना है। तो नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ आप देख सकते हैं लेस सिक्योर अब एक्सेस जो है, यहाँ आप देख सकते हैं लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का एक ऑप्शन है, इसमें मेरा अन है। तो यहाँ आपको अन कर लेना है। यहाँ मैंने पहले से अन कर रखा है इसलिए अन दिखा रहा है। तो आपको अन करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ देखिए मेरा अन है, यहाँ आपको ऐसे ही अन कर लेना है। जैसे कि ये एफ हो गया, ये अन हो गया, तो ऐसे ही आपको भी ये अन कर लेना है। तो अगर आप ये अपने जीमेल अकाउंट में नहीं कर रहे हैं, जिस जीमेल अकाउंट से आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है, तो आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये करना ज़रूरी है, तो ये कर लेना है आपको, उसके बाद ही आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है। तो ये करने के बाद दोस्तों, आपको मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद अपने कंप्यूटर में आउटलुक ओपन करना है। आउटलुक ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडोज प्लस आर बटन, रन खोल कर रन में आपको लिखना है आउटलुक और इंटर करना है। तो आउटलुक खुलने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ आउटलुक कन्फिगर करने का दो तरीका होता है, एक होता है ऑटोमेटिक और दूसरा होता है मैनुअल। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको मैनुअली बताऊँगा ताकि आप पॉप या फिर आई मैप SMTP के बारे में जान सके। तो यहाँ मैनुअली पे चेकमार्क लगा देना है आपको और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पॉप पे चेकमार्क लगा देना है और पॉप पे चेकमार्क लगा के फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं यूजर इन्फॉर्मेशन में यहाँ आपको नाम दे देना है अपना, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ दे दिया अनिल। उसके बाद आपको अपना जीमेल अकाउंट दे देना है। तो यहाँ मैं अपना जीमेल अकाउंट दे देता हूँ। तो ऐसे जीमेल अकाउंट आपको अपना दे देना है। उसके बाद जीमेल अकाउंट देने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं सर्वर इन्फॉर्मेशन। सर्वर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है पॉप, जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ आपको पॉप सेलेक्ट कर लेना है यहाँ आई मैप और पॉप में। पॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं इनकमिंग मेल सर्वर है और दूसरा है आउटगोइंग मेल सर्वर। तो इनकमिंग मेल सर्वर में आपको टाइप कर देना है pop.gmail.com। तो यहाँ pop.gmail.com टाइप करना है और फिर आउटगोइंग मेल सर्वर में आपको लिखना है smtp.gmail.com smtp.gmail.com आपको टाइप कर देना है। फिर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन इन्फॉर्मेशन है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन में आपको अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड देना है। सॉरी, यहाँ आपको .com भी लिखना है। यहाँ .com भी लिख लीजिए आप, यहाँ .com लिख लीजिए। तो यहाँ लॉगिन इन्फॉर्मेशन में आपका जीमेल अकाउंट यहाँ ऑलरेडी है, आपको यहाँ बस अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड देना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड टाइप कर देंगे। तो दोस्तों, पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ मोर सेटिंग दिख रहा होगा, यहाँ मोर सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। मोर सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ मिल जाएगा आउटगोइंग सर्वर, यहाँ आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करना है आउटगोइंग सर्वर पे।
और आपको सिंपली यहाँ चेक मार्क लगा देना है। यहाँ बस आपको चेक मार्क लगाना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा एडवांस का ऑप्शन, उस पर एडवांस पे आपको क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको कुछ थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इनकमिंग सर्वर में जो पॉप 3 है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 से 10 है, तो आपको SSL थ्रू वाला नंबर देना पड़ेगा, जो कि इसका SSL होता है, सिक्योर होता है। तो पॉप का होता है 995, तो आप यहाँ 995 लिख दीजिए और यहाँ चेक मार्क लगा दीजिए, दिस सर्वर रिक्वायर एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन SSL, तो SSL में यहाँ आप चेक मार्क लगा दीजिए। यहाँ आपको फिर मिल जाएगा आउटगोइंग सर्वर का ऑप्शन। आउटगोइंग सर्वर के ऑप्शन में आपको 25 जो कि SMTP का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, यहाँ आपको 465 देना है जो कि SSL के थ्रू होता है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉन का, इस पर आप SSL यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। SSL सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ओके कर देना है। यहाँ आपका थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा यहाँ, क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट चेक होता है अच्छे से कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, इनकमिंग सर्वर आउटगोइंग सर्वर अच्छे से कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं यहाँ चेक करता है। तो यहाँ पहले देख सकते हैं चेक मार्क सही का 1 लग गया है, तो यहाँ 1-2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। अगर यहाँ आपको कोई एरर आता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं और हम उसको आंसर ज़रूर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा यहाँ दोनों कंप्लीट हो चुका है, दोनों सही चेक मार्क लगा दिया है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हो गया है। तो ऐसे ही आपको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है और फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये था दोस्तों आउटलुक कॉन्फ़िगर करने का मेथड जो मैंने अभी आपको बताया। और इस तरीके से अगर आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका आउटलुक हमेशा अच्छे से कॉन्फ़िगर हो जाएगा, कभी भी कोई एरर नहीं आएगा। और कभी आपके आउटलुक कॉन्फ़िगर करने में कोई एरर भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसके लिए मैं ज़रूर आंसर दूंगा आपको, ज़रूर सलूशन बताऊंगा। तो यहाँ इनबॉक्स में आप आएंगे तो यहाँ आपको आपका मैसेज अपेयर होगा अभी थोड़ी देर में, जितना भी जीमेल का आप मैसेज होगा आपका देख सकते हैं धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रॉपरली आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो ये था दोस्तों आउटलुक कैसे मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इससे वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में और आपको हमेशा ऐसे ही ज्ञान देता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना यहाँ फ्री है दोस्तों, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे और आपको ज्ञान मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।